मॉडर्ना एससीजी 5000 इंजेक्शन के अंदर कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन इंग्रेडिएंट्स दिया है। मॉडर्ना एससीजी 5000 इंजेक्शन का इस्तेमाल फीमेल में बांझपन की समस्या को दूर करने के लिए और एडल्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड विकार और फीमेल में अविकसित यौन लक्षण यानी सेक्सुअल जो उनकी क्षमता है उसको सही करने के लिए और मेल में स्पर्म्स की संख्या को बढ़ाने के लिए मॉडर्ना एससीजी यानी कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन इंजेक्शन प्रयोग में लाते हैं। तो अब हम बात करेंगे गोनेडोट्रोफिन, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट दिया है गोनेडोट्रोफिन है क्या, यानी वो हार्मोन जो गोनेड से स्रावित होते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ है जन दो, यानी जनन इंद्रियों से जो हार्मोन्स निकलते हैं उन्हें हम गोनेडोट्रोफिन हार्मोन कहते हैं। अब बात करेंगे किन पेशेंट को यह इंजेक्शन नहीं देना है। अगर जो जिन लेडीजों को या जो पेशेंट इंजेक्शन लगवाना चाह रहे हैं, खासकर ये इंजेक्शन महिलाओं के लिए है, मेल को यह इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो फीमेल में अगर मिर्गी, माइग्रेन, अस्थमा, दिल से जुड़ी कोई समस्या और ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उनसे जुड़ी कोई समस्या है या थायराइड से जुड़ी कोई समस्या है, तो एक बार आप फीमेल जो डॉक्टर है उनसे आप एक बार एडवाइस ले लें, उसके बाद में इस इंजेक्शन को लगवाएं। अब हम बात करेंगे इस इंजेक्शन को लगाने का तरीका। आपको जानकारी है कि इस इंजेक्शन को किस तरीके से लगाया जाता है, इसमें लिखा हुआ है IM एंड SC यूज ओनली। तो IM लगा जब इस इंजेक्शन को, जिनको यानी बच्चे नहीं हो रहे हैं, अंडे को तोड़ने के लिए और गर्भ ना गिरे, इन दोनों कंडीशन में मैटर यानी कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन इंजेक्शन लगाया जाता है। लगाने का तरीका, आप MC पीरियड से होने के बाद में जब आपका MC पीरियड रुक जाए उसके 8वें दिन आप इस इंजेक्शन को लगवाएं एग तोड़ने के लिए, 8वें दिन इस इंजेक्शन को लगवाएं। उसके बाद में जो ट्रीटमेंट देते हैं या फिर जो एडवाइस डॉक्टर देते हैं उसको आप पूरा करें। जब इस इंजेक्शन का यानी प्रेग्नेंट हो जाएं लेडीज हैं तो किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है, इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करने का तरीका, जैसे प्रेग्नेंट होने के बाद में जिनके गर्भ नहीं बड़ी मुश्किल से रुका है या फिर उनके बच्चे गिर जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी यह इंजेक्शन 3.5 महीने तक लगाया जाता है। तो जैसे आपका बेबी 1 महीने 15 दिन का हो जाए यानी उसमें हार्ट बीट आ जाए, तो आप हर, जैसे आपने आज इंजेक्शन लगवाया तो हर 8वें दिन आपको इस इंजेक्शन को लगवाना है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन इंजेक्शन को 3.5 महीने तक यह इंजेक्शन आपको लगेगा। यानी जिनके बच्चे गिर जाते हैं या फिर बड़ी मुश्किल से उनका गर्भ ठहरा है, यह इंजेक्शन जो पेट में जो गर्भ है यानी बच्चा है उसको सही ग्रोथ करने के लिए यह इंजेक्शन काम करता है। इसके जो साइड इफेक्ट होंगे, इसके साइड इफेक्ट तभी होंगे जब इसका डोज आपने पीरियड के समय पर लगा लिया है या फिर जो मेल हैं, मेरे ख्याल से इस इंजेक्शन को स्पर्म्स को बढ़ाने के लिए या सेक्सुअल टाइम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा डोज ले रहे हैं, तो उनको सूजन, पेट में दर्द और पेल्विक पेन, वॉमिटिंग, जी घबराना, रैपिड वेट गेन और एलर्जिक समस्याएं और जो ब्रेस्ट हैं उनमें ग्रोथ हो सकता है यानी स्तनों की में वृद्धि और नींद न आना, इस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। मॉडर्ना इंजेक्शन की जो रेट है 389 रुपीज इसमें दी हुई है, इस तरीके की इसके अंदर ये पैकिंग में निकलेगा मॉडर्ना इंजेक्शन। आपको क्या करना है, ये इसके अंदर ये इंजेक्शन है, सोडियम क्लोराइड है, आपको इसके अंदर भर देना है। भरने के बाद में SC और IM दोनों तरीके से दिया है, पर आपको IM देना है। देने का तरीका मैंने बता दिया है, गलती नहीं कर देना। जब MC पीरियड रुक जाए उसके बाद में अंडे को तोड़ने के लिए यानी एग रैप्चरिंग के लिए
इस इंजेक्शन को इस्तेमाल में लाते हैं, और जब आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो इसके बाद में 1 महीने 15 दिन का बेबी होने के बाद में हार्ट बीट आ जाए तो 3.5 महीने तक आपको इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। यानी बच्चा के जन्म यानी जब से गर्भ ठहरा है और 3.5 महीने तक का बेबी हो जाए उस समय तक आपको इस इंजेक्शन को देना है। बाकी का ट्रीटमेंट वो अलग चलता है।